दिखाया और मेरा रिश्ता कुछ खास नहीं है, पर तुमसे मिलने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कि कब से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुमसे बात करने के लिए बेचैन से रहती हूँ, तुम्हारे एक मैसेज के बाद जैसे मैं खुद को ही भूल जाती हूँ कि सब ऐसे ही तो नहीं हो रहा है, पर तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ खास भी तो नहीं है। सल्तन और पल्टन के बारे में सुना है मैंने, पर तुमको तो कोई टैग भी नहीं दे सकती मैं, डर लगता है कहीं मैंने दिल की बात कही और बस सब कुछ पल भर में खत्म हो जाए। तुमसे थोड़ी बहुत बातें भी हुई है, कहीं वो होना भी बनना हो जाए। क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या पता यार, तुम भी कहो ना कुछ। क्या ये प्यार है जो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हूँ? तुम्हारे एक मैसेज के लिए मैं पूरा दिन इंतजार कर सकती हूँ, पर रात में अगर बात नहीं होती तो मेरा दिन मुकम्मल ही नहीं होता है। क्या सच में मुझे प्यार होने लगा है? मुझे पता है मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता नहीं सकूंगी, ये जो दोस्ती का रिश्ता है ये भी खत्म ना हो जाए, इसलिए तुम्हें कुछ कह नहीं पाऊंगी। तुम भी कुछ ख्याल करो ना, केयर तो तुम भी करती हो मेरी। अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ तो अपनी कसम दे देती हूँ मेरी हर बात का बखूबी ख्याल रखते हो। मैं बात बात पर पागल बोलती हूँ, फुद्दू बोलती हूँ, टफा बोलती हूँ, ये सारे साइन तो प्यार वाले ही है ना। क्या सच में तुम्हें प्यार हो गया है या फिर मेरा कहर है? आजकल हमारी बातें भी कुछ खास होने लगी है, या फिर हो सकता है मुझे लगा हो। दोस्तों में भी हमारे ही चर्चे रहते हैं, बस तुम्हारे हाँ होने की देर है। बाकी तो सब कुछ क्लियर है, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ, बस तुम्हारे हाथ होने की देर है। चलो ना आज सब कुछ कह देते हैं जो दिल की बातें हैं और जुबान पर लाते हैं, एक बार हाँ करके तो देखो। बस मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, जान पाई तो नहीं ला सकती, पर तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हारे एक स्माइल के लिए जिंदगी के गुजारिश होंगी, ये ड्रामा और सीरियल छोड़कर मैं तुम्हारे साथ आई पी एल क्रिकेट देखूंगी। बस तुम्हारी हाँ करने की देर है,